हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास नाइन्थ का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास नाइन्थ में हम चैप्टर 6.6 स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें ये फिगर गिवन है और इस फिगर के बारे में ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मुझे ये चीज़ फाइंड करनी है, एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। लास्ट वीडियो में जब हमने रिफ्लेक्स एंगल्स के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे पढ़ा था जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो 180 से बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एंगल ए ओ सी की, तो ए ओ सी ये एंगल बना, बी ओ ई ये एंगल बना। ठीक है, इन दोनों का सम दे रखा है 70 डिग्री। बी ओ डी मिडल में ये पॉइंट बना, तो ये एंगल है बी ओ डी, ये हमें 40 डिग्री गिवन है कि ये 40 डिग्री का है। हमें फाइंड करना है बी ओ ई, केवल ये एंगल हमें फाइंड करना है कि अकेला ये एंगल कितने डिग्री का होगा। ठीक है, सिंपल लेके चलते हैं। हमने मान लिया ये जो एंगल है इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है, इसका नाम 3 है, ऐसे हम मान के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड हमें क्या क्या करना है, एक तो बी ओ ई ये, साथ में सी ओ ई, सी ओ ई मीन्स ये जो एंगल बचा जिसको हम एंगल 2 बोलेंगे इसका रिफ्लेक्स हमें फाइंड करना है। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये जो एंगल्स है 1, 2, 3, इन तीनों को ऐड किया तो ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। 180 डिग्री के इक्वल क्यों हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर से हमने बताया था कोई भी अगर लाइन है उसके ऊपर 180 का एंगल्स बनेगा। हमें ए ओ बी एक लाइन गिवन है, ठीक है, तो इस लाइन के ऊपर ये लाइन ऐसे ए ओ बी, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा मैक्सिमम और एग्जैक्टली कितना बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। इसलिए एंगल 1 प्लस में 2 प्लस 3 तीनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। अब गिवन पे चलो, गिवन है ए ओ सी मीन्स ये एंगल प्लस में ये एंगल, इन दोनों को ऐड किया तो इक्वल है 70 डिग्री के। तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल 1 प्लस में 3 प्लस में 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों इक्वल है 70 के, तो मैंने यहाँ पे पुट किया 70 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस का है तो उस साइड में जाके माइनस हो जाएगा, एंगल 2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 180 माइनस में 70। 180 में से अगर 70 माइनस किया तो मेरे पास कितना बचा, 110। ठीक है, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, किसकी, एंगल 2 की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालनी है एंगल 3 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, देखो एंगल 1 और ये, इसको मैं नाम दे दूं, मान लिया इसका नाम 4 है। एंगल 1 और 4 को देखो, हमने कल बताया था कि अगर दो लाइंस हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ऐसे ये एंगल और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट होंगे और ये आपस में इक्वल होते हैं, इस बात का हमने प्रूफ भी करवाया था आपको। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, 4 के, बट एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के। क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ठीक है, अब एंगल 1 तो हमें फाइंड करना है, लेकिन 4 जो एंगल है बी ओ डी ये वाला एंगल, ये कितना दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 कितना हो गया, 40 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री आ गई। अब मुझे निकालना है
ये वाला एंगल, ठीक है। तो 1 प्लस में 3 एंगल, 1 प्लस में एंगल 3 70 के इक्वल है। 1 की वैल्यू कितनी आई है 40, प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 70 डिग्री। ये प्लस कहाँ है उस साइड में जाके माइनस, तो एंगल 3 इक्वल टू 70 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल 3 की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। हमें ये निकालना था, कौन सा, ये फाइंड करना था बी ओ ई। ये है बी ओ ई जिसको हमने अब 3 नाम दिया है, तो ये आ गया। अब मुझे रिफ्लेक्स निकालना है। जब भी मैं रिफ्लेक्स निकालूंगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, ये क्या हो जाएगा 360 माइनस एंगल सी ओ ई। रिफ्लेक्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 360 में से वही एंगल माइनस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 360 माइनस सी ओ ई एंगल, जो सी कहाँ पे गया, सी ओ ई मीन्स एंगल 2 की बात कर रहा है। एंगल 2 कितने का है मेरे पास, एंगल 2 की वैल्यू है 110, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की 110। तो 360 में से 110 माइनस हो गया तो मेरे पास कितना बच गया 250। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई कितना आ गया मेरे पास 250 डिग्री। ये हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट हमें गिवन है, ये फिगर गिवन है हमें, एक्स वाई एक लाइन है, एम से एन एक लाइन है, दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम ओ हमने दिया। ओ से पी इस पे परपेंडिकुलर है। यहाँ पे गिवन है कि पी ओ वाई मीन्स पी ओ वाई, ये जो कंप्लीट एंगल है ये 90 डिग्री का है, ये बात गिवन है। लेकिन साथ में गिवन ये भी है कि एक्स वाई एक लाइन है, लाइन है, तो कंप्लीट जो एंगल बनेगा ये कितने का बनेगा, 180 का। 180 में से ये 90 का है तो ये कंप्लीट एंगल कितना बचा, ये भी 90 बचेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल एक्स ओ पी, एंगल एक्स ओ पी प्लस एंगल वाई ओ पी, एंगल वाई ओ पी दोनों का सम कितना हो गया 180 लीनियर पेयर से, ठीक है। वाई ओ पी की वैल्यू 90 गिवन है, एंगल एक्स ओ पी प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, ये उस साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल एक्स ओ पी की वैल्यू आ गई 180 माइनस 90, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें गिवन है ए रेसो बी, ए और बी का रेशो कितना गिवन है 2:3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि जो ए होगा वो कितना होगा 2/3, 5, ठीक है। 2:3 का मतलब ये होता है कि अगर ये लाइन है कुल मिला के मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस लाइन को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट हो गए इसके, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो एक बच्चे को मैंने 2 पार्ट्स दे दिए इस साइड के और एक के पास 3 रह गए, तो इसको बोलते हैं 2:3। कुल मिला के 5 पार्ट्स हैं, उस एक के पास 2 है और एक के पास 3 है, तो इसको मैंने लिख दिया 2/5। अब ए प्लस बी इन दोनों का सम मीन्स ये कंप्लीट जो एंगल है एक्स ओ पी, इसकी वैल्यू कितनी है 90, ये हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले आएंगे। 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 18 पे, और 18 टू जा कितना होता है 36, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। सेम टाइप से एंगल बी की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 3/5 इंटू 90 डिग्री, 5 से कैंसिल आउट हो गया 18 पे,
और 18 3 54 डिग्री। तो बी की वैल्यू भी मेरे पास आ गई, लेकिन हमें निकालनी है सी की वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे कि MON इज ए लाइन, ये एक लाइन है, ऐसी बात हमें गिवन है। इसका मतलब B plus angle C दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे हो जाएगा? लीनियर पेयर से। कोई भी लाइन होती है तो उस लाइन पे जो कंप्लीट एंगल होगा, इस लाइन पे कंप्लीट एंगल मेरा ये बना, कंप्लीट एंगल कितने का होगा 180 डिग्री का। B की वैल्यू मेरे पास है 54 डिग्री, यहाँ पे पुट किया 54 प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस का है तो उस साइड में जाके माइनस हो जाएगा, एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस में 54, 180 में से 54 गया तो कितना बच गया मेरे पास 126 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हमें एंगल C की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, वो हमारे पास कितनी आ गई 126 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। इसकी फिगर हमें ये गिवन है, ये इसकी फिगर है। S से लेके T तक कोई भी एक लाइन है हमारे पास, और इसके ऊपर एक ट्रायंगल बनी हुई है जिसका नाम है PQR, ये नाम है। तो इसने कहा PQR मींस ये जो एंगल बना ये इक्वल होगा किसके, PRQ, इस एंगल के। मीन्स ये बात गिवन हमें यहाँ पे कि ये एंगल इसके इक्वल है। इसको हमने छोटा करने के लिए नाम दे दिया, इसका नाम 1 है और इसका नाम 2 है। 1 और 2 आपस में इक्वल है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 की, ये बात मुझे गिवन है। ठीक है, अब मैंने अपने पास से मान लिया कि ये जो एंगल है इसका नाम 3 है और ये जो एंगल है इसका नाम 4 है। अब मुझे प्रूफ करना है कि PQS मींस जो एंगल 3 है वो इक्वल होगा एंगल 4 के, ये बात हमें प्रूफ करनी है। काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। अब मुझे पता है एंगल 1 प्लस में 3 किसके इक्वल होगा, बताओ 180 के। क्यों होगा? क्योंकि लीनियर पेयर है, एक लाइन पे दो एंगल्स बने हुए हैं, तो कितना होगा 180 डिग्री होगा। बट एंगल 1 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर से होगा। सेम टाइप से एंगल 2 प्लस में एंगल 4 ये भी इक्वल होगा 180 डिग्री लीनियर पेयर से। अब आप देखो ये भी 180 के इक्वल है और ये भी 180 के इक्वल है, ये तो आपस में इक्वल है ही। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में इक्वल मिलेंगे। दिस इम्प्लाइज एंगल 1 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस में एंगल 4। बट एंगल 2 के पहले इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो मैं लिख दूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस में एंगल 4। यहाँ पे एंगल 2 आना था, इसकी जगह पे क्या रख दिया मैंने, एंगल 1, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। और यही बात मुझे प्रूफ करनी थी, ठीक है, कि ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। तो 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया।